हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस ओलंपियाड के बारे में देखेंगे जो 2022 में हुआ था। आपको इसी ओलंपियाड से 6-7 क्वेश्चन 2023 के ओलंपियाड में भी देखने को मिल जाएंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो चलिए देखते हैं ये ओलंपियाड कैसा कैसा था। इसमें 3 सेक्शन था, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन, साइंस 35 क्वेश्चन एंड अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 15 मार्क्स आप यहां से इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि अचीवर सेक्शन को आप कैसे 5 का 5 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन का लेवल, कैसे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है और ये 10 क्वेश्चन वो हैं जिनको आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 10 में से 10। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको रीजनिंग के 10 में से 10 क्वेश्चन लेने हैं तो क्लास 3, 4, 5, 6 के साइंस ओलंपियाड देखिए आप, क्लास 3, 4, 5, 6, क्योंकि उनमें भी रीजनिंग आई है और इसी लेवल की है। यही क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है, बाकी एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस हैं उनमें, तो आप उनको उनका भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 3, 4, 5, 6 क्लासेस का एनसीओ नेशनल साइंस ओलंपियाड देखते हैं और साथ में मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, वो भी आप, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एनएसओ ओलंपियाड्स 2022, आईएमओ ओलंपियाड्स 2022, तो उनमें जाके आप क्लास 3, 4, 5, 6 के ओलंपियाड का रीजनिंग वाला पार्ट देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे ये 10 क्वेश्चन स्कोर करना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसा है। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर पूछा जाता है इसमें, तो आपको कोई ना कोई इधर ट्रिक रहती है, लॉजिक रहता है, आपको वो देखना है। जैसे पहले में 2, 0 में 2 ऐड किया तो 2 हो गया, फिर 4 ऐड किया 6, फिर 6 ऐड किया फिर 8, फिर 10, तो आगे 12 ऐड करेंगे तो ये इसका राइट आंसर 42 हो जाएगा। तो इनमें कुछ ना कुछ ट्रिक छिपी रहती है, बस आपको वो ट्रिक देखना है कि कितना ऐड हुआ है। इधर तो जैसे +2, +4, +6 ऐड हुआ, ऐसे भी हो सकता है 1, 3, 5 ऐड हुआ हो, या ऐसे भी हो सकता है 3, 6, 9, 12, तो आपको बस लॉजिक पकड़ना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको खुद को मान लेना है कि ये मैं हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे ये है, ओके, तो रोहन वॉक्स 7 किलोमीटर साउथ, तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये होती है ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, ठीक है। अब आप खुद को मानिए और उसको अकॉर्डिंग चलिए, जहाँ जहाँ जिस तरफ जाएंगे आपका राइट आपका ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा। नॉर्थ में जाएंगे तो राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर, वेस्ट में जाएंगे तो आपका राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इधर, और साउथ में जाएंगे तो राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इधर। बस आपका इनको नॉलेज होने चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चंस की तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में देखना है कि बैंड को ऐसे लिखा जाता है 2573, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। रीड को ऐसे लिखा जाता है 4153, तो इन दोनों में से आपका ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो सभी लेटर्स इसमें हों। तो देखिए बी ये रहा, बी के लिए 2 हो जाएगा, ई ई में सेकेंड नंबर पे ये रहा, ए यहाँ रहा और डी आर आर इसमें फर्स्ट नंबर पे है, तो आप देख लीजिए कौन से लेटर के लिए कौन सा नंबर यूज हुआ है और वो इजीली आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इमेज, देखो क्लास 6 तक तो पूछा गया था मिरर इमेज और अभी 7 में पूछा गया है वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, इमेज उल्टी हो जाती है, बट मिरर इमेज में साइड पलट जाएगी, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, बट उल्टी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसका वाटर इमेज क्योंकि नीचे ऐसे बनती है तो इसका उल्टा क्या बनेगा, एरो इधर हो जाएगा ये और ये ऐसे और आंखें इधर हो जाएंगी, तो ये देख लीजिए आप ऐसा कहाँ है, तो ऐसा है ऑप्शन डी में। वाटर इमेज में हमेशा इमेज उल्टी बन जाएगी क्योंकि वाटर नीचे होगा, या तो इसको नीचे रख लो या ऊपर रख लो, कहीं भी रख लो, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है
उसमें भी आप अपने आप को खुद को मानिए, रिलेशन और डायरेक्शन ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप खुद को मान के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपका रिलेशन समझ में कि कौन किसका क्या लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है वेन डायग्राम का है। तो वेन डायग्राम में हमें ये चीज़ देखना होता है कि तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। ओनली सर्कल और रेक्टेंगल में 2 कॉमन है, सर्कल ओनली ट्राइंगल और रेक्टेंगल में 7 है, ओनली ट्राइंगल में 5 है, ओनली सर्कल में 1 है, सर्कल और ट्राइंगल में 4 है। तो ये देखना होता है आपकी कौन कहाँ, और ओनली रेक्टेंगल ओनली स्क्वेयर स्क्वेयर में कॉमन क्या है, 6 है। तो बस ये देखना कि कौन कहाँ है, ग्रुप में नहीं है। तो क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता है कि तीनों में कॉमन क्या था, तो इसमें 3 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बड़े से छोटे में बोल रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो सबसे बड़ा रूम इसमें सी में 4, देखो एक बार छोटे से बड़ा, शायद रूम, रूम के बाद हाउस, हाउस के बाद स्ट्रीट, और स्ट्रीट के बाद टाउन, और टाउन के बाद होता है डिस्ट्रिक्ट। तो छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लॉजिक समझना है कि ए का मीनिंग क्या है, प्लस, बी का मीनिंग क्या है, माइनस, सी का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन। उसके अकॉर्डिंग आप ये इधर ए बी सी की तरह जगह रखिए और फिर बोर्ड मास लगा दीजिए कि पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, अगर आप 6-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। ऐसे ही डाइस में होता है, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन। तो मैंने डाइस का ट्रिक भी बता रखा है दोनों क्लासेज में, क्लास 6-7 का, जो क्लास 5 में भी डाइस का आता है, तो वहाँ ओलंपियाड मैंने सोल्व कराया तब करा रखा, आपको भी बता देता हूँ। जो भी डाइस दी रहती है आप एक ऐसी दो डाइस ऐसी देखिए जिनमें एक ही कॉमन हो, जिनमें एक ही कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए ऐसा कौन सा हैश, हाँ ये रहा पहली दो में, बस हैश कॉमन है और बाकी अलग है। तो हैश को दो कॉलम बनाने हैं, ऐसे लिख लीजिए दो हैश, फिर उनको क्लॉकवाइज लिखना है, उसके नीचे परसेंटेज एट द रेट, यहाँ नंबर भी रहता है तो भी ऐसे ही लिखेंगे। इसमें क्या है, स्टार और डॉट, इनको क्लॉकवाइज लिखना होता है ऐसे दो कॉलम में। तो जो जिसके सामने है वो उसका ऑपोजिट होता है। दो हैश आए हैं तो देखो हैश को छोड़ के क्या बच गया, सी बच गया, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो हैश का ऑपोजिट ये हो जाएगा, परसेंटेज का स्टार हो जाएगा और एट द रेट का डॉट हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है और वो उसको आंसर बता देंगे। तो बस आपको इन क्वेश्चन में क्या देखना है कि किस दो डाइस में एक नंबर या एक सिंबल कॉमन है, उसको लिख लीजिए, दो कॉलम बना लीजिए, उसके बाद आप क्लॉकवाइज उसको लिखते चलेंगे, क्लॉकवाइज परसेंटेज एट द रेट स्टार और ये, ठीक है। ऐसे ही नंबर दिया रहता 341 365, तो उस 3 को कॉमन आ जाएगा और नीचे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब पोजीशन वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, हमेशा ही आते हैं। इन ए क्लास रश्मि इज 12th फ्रॉम द टॉप, तो टॉप टू बॉटम आप ऐसे मान लीजिए, ये नंबर 1 है, ये 12th है रश्मि। उसके बाद क्या बोला गया है, ये 12th में है। इफ़ हर पोजिशन इज शिफ्टेड टूअर्ड द बॉटम बाई थर्ड प्लेस, मतलब नीचे की ओर 3 खिसका दी तो ये 15 पे आ गई। सी बिकम्स 5th फ्रॉम द बॉटम, अब ये ऊपर से तो 15 है और नीचे से क्या है, नीचे से ये है 5th। नीचे से 5th कब होगी, जब टोटल इधर 19 होंगे, क्योंकि 19, 18, 17, 16, 15, तभी तो ये बनेगी ना, ठीक है। तो पूछा गया हाउ मैनी टोटल चिल्ड्रेन, तो टोटल चिल्ड्रेन कितने हो गए, 1 to 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलते ऊपर की ओर खिसका दी तो ऊपर में हम इसको लेके जाते, ठीक है। और टोटल में देखना कि यहाँ से भी देख सकते हैं 15 16 17 18 19, ठीक है, तभी तो ये 15 वाली है जो वो नीचे से 5th बनेगी, 1 2 3 4 5th, ओके। तो ये रीजनिंग का सोल्यूशन मैंने कराया आपको, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्या है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इनको सोल्व करने में कम टाइम लगता है, ओके। उसके बाद साइंस का क्वेश्चंस हैं, इसका मैं इन क्वेश्चंस को मैं दिखाता चलूँगा।
आप या तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इनको देख के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइंस ओलंपियाड में। कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक होती हैं, वो आपको मैं बताता चलूँगा। आप लेवल देख लीजिए क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 21, 22 देख पाएंगे इस स्लाइड में आप। इसको मैं छोटा कर देता हूँ 18 को देखने के लिए। एक इसमें नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा नीचे जाना ही पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद 23, 19 और 24 को एक साथ देख लीजिए। मैग्नेट से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि रीजनिंग का प्रैक्टिस कराइए, तो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट 30-40 क्वेश्चन ले आऊँगा अगर आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। अगर 10-15 बच्चे कमेंट में लिख देते हैं, तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लाऊँगा जो उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको इधर देखने को मिलेगा। और साइंस का भी मैं ओलंपियाड का जो स्पेशली क्वेश्चंस होता है वो भी वीडियो लेके आऊँगा उनका साइंस का। तो साइंस के जो ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं उनको देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी साइंस का, अगर आपने जीके ओलंपियाड का भी भर रखा है, तो मैं उसका भी वीडियो अपडेट बनाता हूँ, करंट अफेयर का वीडियो बनाता हूँ, आप वो देख लेंगे। करंट अफेयर देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम उन्हीं में से देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 38, यही क्वेश्चन अचीवर सेक्शन में भी आता है ऐसे ही। बस आपको ये देखना है कि आपको कौन सा करेक्ट आंसर पता है। मान लो आपको ये पता था कि एमोनोटेलिक में लीच और स्पंज आते हैं, बाकी में लीच और स्पंज नहीं दे रखा, तो बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं और बाकी आपको बी और सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें टिक कर देंगे। इसके लिए मैं अचीवर सेक्शन में भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है वो बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जिनमें चार चार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चंस में। अगर आपको साइंस ओलंपियाड दे रहे हैं आप, तो क्लास 6 और क्लास 5 का भी साइंस ओलंपियाड देखिए, क्योंकि उन्हीं में से भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन उधर दिए रहते हैं, वैसे के वैसे ये लोग डाल देते हैं इधर। ये अचीवर सेक्शन है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज एवरी क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स, तो ये आपका बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन बढ़ाने में। ए फ्यू चेंजेस दैट ओकर अराउंड अस क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल।
क्वेश्चन नंबर 50 में जैसे ट्रिक देखेंगे, इसमें पूछा गया था रेफर टू द गिवन चार्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में क्या आएगा ये पूछा गया था। एक्स का इधर मतलब ये होके क्या बनेगा, ये होके क्या बनेगा, लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा। अब आपको मान लो एक्स का पता है कि स्पीरो गायरा होता है एक्स का, बाकी में स्पीरो गायरा नहीं है, बैरोफिलम है, मॉस है, यीस्ट है। अगर आपको सही पता है कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा, तो आपको वाई और जेड में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीरोगायरा फर्स्ट में ही है, तो आपको सीधा इसी में आंसर लगा देना। आपको वाई और जेड पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पेपर में आपको वैसे ही कम समय रहता है। तो आपको ट्रिक फॉलो करना है कि जहाँ भी आंसर मिल गया आपको आगे का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा उस क्वेश्चन को आप टिक कर दीजिए, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि सभी में अलग अलग ऑप्शन दिया गया था। मान लो आपको एक्स का नहीं पता था, वाई का पता है, वाई का कि वाई में क्या होगा। अब वाई में देखो चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, हाइड्रा डालिया बेगोनिया ब्रेड मोल्ड। तो मान लो आपको पता था हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर है वाई का, आपको एक्स का नहीं पता, छोड़ दो एक्स को। अब वाई का हाइड्रा मिल गया आपको, तो सीधा आप ए में करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बाकी में रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आपको जेड का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि मुझे कौन सा तीनों में से आंसर पता है और वो किस ऑप्शन में सही बैठता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक अचीवर सेक्शन के लिए और बाकी बीच में भी 6-7 क्वेश्चन थे उनके लिए सही से काम करेगी। तो आपका 6-8-10 नंबर इस ट्रिक से फॉलो कर सकता है, कि बस ये देखिए कि किस ऑप्शन में मेरे वाला आंसर है और वो ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 7 का साइंस ओलंपियाड। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मेरी वाली ट्रिक आप फॉलो करेंगे, मेरी बात मानेंगे, जो क्लास 5 और 6, 3, 4 का लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, उनका ओलंपियाड देखेंगे, तो आपके लिए इसमें स्कोर, अच्छा स्कोर करना बहुत ही इजी रहने वाला है, और आप इसमें कुछ भी कैश प्राइस मेडल जीत सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।